अहंकार को भगवान ने बताया, जब तक जीव में अहम है तब तक उसको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, कर्म फल भोगना पड़ता है। तो जब तक अहम है, यानी मैं शरीर हूं, ये सब भाव है, तब तक हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो अहम हमारे भीतर है, ये कैसे पता पड़े? क्योंकि कोई आदमी बहुत दंडवत कर रहा है, सबके पांव छूता है, तो लोग समझते हैं बड़ा दीन है। लेकिन पांव छूने से कोई निश्चय पता नहीं कि उसका अहम चला गया, क्योंकि हो सकता है वो दिखावा कर रहा है, ये अपने को दीन भक्त साबित करना चाहता है। ये कैसे निश्चय पता पड़ जाए कि इसमें अहम नहीं है? कोई आदमी युद्ध कर रहा है, भगवान ने कहा, तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसमें अहम है। बड़े बड़े महापुरुषों ने युद्ध किया, हनुमान आदि ने, और वो अहम रहित होकर सारी दुनिया को मार डाले तो भी पाप नहीं लगेगा। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सहिमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये अहम का कार्य है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं। महापुरुषों में महापुरुष लोग जो होते हैं, वो सब दुनिया के काम करते हुए भी उनमें अहम नहीं रहता। जनकादि थे, राजभोग ग्रस्त थे, सब ग्रस्त करते हुए भी उनमें अहम नहीं था। तो ये कौन सा फार्मूला है कि जिससे पता पड़ जाए अहम है? और बड़े बड़े एक तनुवादी विरक्त महात्मा, रामायण में लिखा है, सब महामाया भी थे। ऊपर से कपड़ा नहीं रखना, जंगल में तपस्या करना, महामाया भी थे। राक्षस लोग बड़ा तप करते थे। तो ये अहम है क्या चीज, कैसे पता पड़े कि अहम हमारे में नहीं है या दूसरे में? क्यों ऊपर के कपड़े से पता नहीं पड़ता, साधु विरक्त बनने से पता नहीं पड़ता, लड़ाई करने वाले को पता नहीं पड़ता, भोग भोगने वाले को पता नहीं पड़ता। चित्रकेतु गंधर्व के 1 करोड़ रानियां थी। तो ऐसी दशा में ये एक ऐसा पेचीदा रोग है कि जिसको समझा नहीं जा सकता, लेकिन भगवान ने इसका निर्णय किया, अहम है, इसका एक ही पहचानने का लक्षण है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सारे संसार प्रकृति से हो रहे हैं, हमारी शक्ति जो प्रकृति है, लेकिन अहंकार जिसके ऊपर आ जाता है तो समझता है कर्ता हम, मैं कर रहा हूं, बस यही पहचान है, मैं कर रहा हूं। ये जब भाव जब तक है, जब तक अहम है, मैं कर रहा हूं की जगह प्रभु करवा रहा है, हर समय इसकी प्रतीति हो गई, तो न काम सताएगा, न क्रोध सताएगा, न कुछ, क्योंकि वो जैसा करा रहा है। बोले हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम साधु बन जाएंगे, बोले वो और मूर्खता है। क्रिया को त्याग कर दोगे तो पता कैसे पड़ेगा कि मैं कर रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं? कर्म करने पर ही पता पड़ता है कि मैं उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है। कर्म का त्याग करने पर पता नहीं पड़ेगा, कर्म के करने पर पता पड़ता है कि मैं कर रहा हूं। ये तुमको अनुभव हो रहा है कि प्रभु करवा रहा है? जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया ना है।
कहो कही जो मैं किया तुम ही थे मुझ माही करी गोपाल की सब हो। मैं कर रहा हूं ये जब तक हमें प्रतीति होती है तब तक हमारे में अहम है। चाहे हम रोज हजार दंडवत करावें और हजार छोटे छोटे काम करें, टट्टी धोवें, पेशाब धोवें, लेकिन जब तक ये सोच रहा है आदमी मैं कर रहा हूं तब तक उसमें अहम है। तुम सेवा कर रहे हो और उसमें भी अगर तुम्हारे अंदर भाव है मैं सेवा कर रहा हूं तो फिर अहम तो जिंदा ही है। हम भिक्षा लाते हैं, मान लो कोई आदमी और सोचे हम भिक्षा लाए, हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो अहम तो जिंदा ही है। कोई भी कार्य कर रहे हो और मैं कर रहा हूं ये तुमको प्रतीति हो रही है तो अहम तो जिंदा ही है, अहम कहां मरा। इसलिए अहम को पहचानने का उपाय यही है कि कर्म खूब करे, कर्म से भागे नहीं, और उस कर्म को करते हुए मैं कर रहा हूं ये भावना आवे। क्योंकि वो जब तक जैसे ये दृष्टांत बाबा देते थे, बंदर होता है वो सर्प को पकड़ लेता है छोटे मोटे को और रगड़ता है उसके मुंह को और फिर उसको उठा के फू फू ऐसे करता है तो सर्प क्रोधी होता है। अगर जिंदा होता है तो ऐसे ऐसे वो भी निकालता है मुंह, तो समझ जाता है कि अभी इसमें ये जिंदा है, इसमें अहम है, फिर घिसता है, फिर उठाता है। तो जब तक जिंदा रहता है वो सर्प वो फनफनाता है, काटने दौड़ता है, और जब मर जाता है तो वो ऐसे ऐसे कितनों फू फू करे बंदर, कुछ नहीं बोलता है, वो मर गया। तो कर्म करने से ही पता पड़ता है कि हमारे में अहम है कि नहीं है। कर्म एक तरह का टेस्ट है, मेडिकल चेकअप है, रोग कौन सा है तुम्हारे में। तो कर्म करने पर अगर ये भाव आ रहा है कि मैं कर रहा हूं तो समझ लो अहम जिंदा है, और कर्म करने पर मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं आया, जो कुछ कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं सब ही नचावत राम गोसाई, ये भाव आ रहा है तो समझ लो अहम तुम्हारा घट रहा है और घटता जाएगा। इसलिए अहम को दूर करके कर्म करें, और अहम को पहचानने का रास्ता केवल कर्म ही है। ऐसा अच्छा कर्म करो जिससे 10 आदमियों को लाभ हो और उस लाभ के बाद ये भाव नहीं आवे कि हमने साहब ये काम किया तब उनको फायदा मिला। यही भगवान ने गीता का सार बताया कि कर्म अवश्य करो और कर्म के बाद कर्ता हम इति मन्यते, हम करने वाले हैं, ये भाव नहीं आवे। कृपा करो राधा रानी कृपा।